भारत में करोड़ों प्लेयर्स क्रिकेट में अपनी किस्मत आजमाने में लगे हैं, लेकिन कई लोग कड़ी मेहनत के बाद भी इस खेल में सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था उन 5 बातों के बारे में जो आपके क्रिकेटर ना बनने के कारण बनते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिकेट के वो 7 सक्सेस रूल्स जिन्हें अगर आप अपने करियर में अपनाएंगे तो आप एक अच्छे और डिजर्विंग क्रिकेटर बन सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, कई क्रिकेटर्स दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, अपना सारा दिन एकेडमी में देते हैं, लेकिन यहाँ ये बात समझने की है कि सारा दिन प्रैक्टिस करने से आप क्रिकेटर नहीं बनेंगे, बल्कि यहाँ आपको स्मार्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब यहाँ स्मार्ट प्रैक्टिस का मतलब समझते हैं। आपने सारा दिन एकेडमी में प्रैक्टिस की, लेकिन उस पूरे दिन में सीखा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने उस पूरे दिन में अपनी गलती पर मेहनत की ही नहीं। अगर आपने पूरे दिन की जगह 1 घंटा भी अपनी गलती ठीक करने पर काम किया होता तो वो दिन आपकी प्रैक्टिस में एक अच्छे प्रैक्टिस सेशन के तौर पर जुड़ता। अगर पढ़ाई का एग्जाम्पल लें तो सारा दिन हाथ में बुक लेकर बैठने से पढ़ाई नहीं होती। अगर पूरे दिन में 1 घंटा भी अच्छे से पढ़ाई कर ली जाए तो वही ज्यादा आपके काम आएगी। इसलिए स्मार्ट प्रैक्टिस करें और सारा दिन प्रैक्टिस करने की जगह कम टाइम में अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो उससे पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा, क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए आपको एक डिसिप्लिन क्रिकेटर बनना बहुत जरूरी है। ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन अपने गलत व्यवहार और खेल के प्रति ईमानदार ना होने के कारण लंबा क्रिकेट नहीं खेल पाए। कभी भी मैच में गलत भाषा का प्रयोग ना करें और बैटिंग करते वक्त कभी भी मुंह से नहीं बल्कि हमेशा बल्ले से अगली टीम को जवाब दें। एक अच्छे टीम लीडर बने, हमेशा कोच की रिस्पेक्ट करें, अपनी टीममेट्स और जूनियर प्लेयर्स के साथ अच्छा बिहेव करें और उन्हें कभी भी अपने अच्छा प्लेयर होने का घमंड ना दिखाएं। दोस्तों, आपने सुना होगा टाइम बहुत कीमती होता है, इसे कभी भी बर्बाद ना करें, क्योंकि टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए इसका सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अगर क्रिकेट में कामयाब होना है तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना सीखना होगा, टाइम की वैल्यू करना सीखना होगा। कई प्लेयर्स अपनी क्रिकेट एकेडमी प्रैक्टिस पर लेट पहुंचते हैं, मैच पर लेट पहुंचते हैं, जिसका मतलब है आप टाइम की वैल्यू नहीं करते। दोस्तों, जब आप अपने गेम को वैल्यू नहीं दोगे तो वो भी आपको रिजल्ट नहीं देगा। अपने प्रैक्टिस सेशन का टाइम डिसाइड करें, फिटनेस सेशन का डे और टाइम डिसाइड करें और उसे टाइम उसे पूरा भी करें। आजकल कई प्लेयर्स अपने क्रिकेट के साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स उन्हें क्रिकेट खेलने से मना करते हैं, क्योंकि आज के वक्त में आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आपका काम है कि प्रैक्टिस से आने के बाद अपनी पढ़ाई को भी टाइम दें और दोनों चीज़ों को साथ में लेकर आगे चलें। दोस्तों, क्रिकेटर बनना कोई छोटा गोल नहीं है, इसलिए इतना बड़ा गोल अचीव करने के लिए हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर लूँगा, मुझे कितनी भी मुश्किलें आए मुझे क्रिकेटर बनना है। आपको अपने करियर में कई ऐसे लोग जैसे आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे और कहेंगे कि तू क्रिकेटर नहीं बन पाएगा, ये खेल करोड़ों लोग खेल रहे हैं। तो आपको ये सोचना है कि आज के वक्त में आसान कुछ भी नहीं है। अगर क्रिकेट में करोड़ों लोग हैं तो देश में पढ़ाई करके नौकरी ढूंढने वाले भी उससे कहीं ज्यादा हैं। आपको सबकी बात को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करनी है, और सही तरीके से की गई मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा पाना है तो हमारे अंदर पेशेंस यानी धैर्य का होना बहुत जरूरी है। अक्सर प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्ट न होने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, आपको ये कभी नहीं पता होता कि आप सक्सेस के कितने करीब हो, इसलिए कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। और ये सोचें, अगर मैंने हार मान ली तो जो मेहनत और टाइम अब तक मैंने क्रिकेट को दी है वो सब बेकार हो जाएगी। अब मेरा गोल सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर बनना है, जिसके लिए मुझे पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। दोस्तों, आपकी सारी मेहनत बेकार है अगर आपने मौका मिलने पर अपने मौके को भुनाया नहीं। आपकी लाइफ आपको टाइम टाइम पर अपॉर्चुनिटी देती रहती है, लेकिन उनका फायदा लेना हमारे हाथ में है। अब जैसे क्रिकेट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, आप अपना क्रिकेट ट्रायल पास कर लेते हैं और आपका नाम कैंप मैचेस में आ जाता है, तो वो कैंप के मैचेस आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप उन मैचेस में परफॉर्म करें और अपना नाम टीम में लेकर आए। लेकिन वहीं अगर आप उन मैचेस में परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे और इसी के साथ आपके करियर का 1 साल बर्बाद हो जाएगा और आप अगले साल ही ट्रायल दे पाएंगे। तो दोस्तों, जब भी आपको परफॉर्म करने का मौका मिले तो उस मौके को जरूर भुनाएं। हमने जो भी पॉइंट्स आपको ऊपर बताए वो इस पॉइंट के बिना अधूरे हैं, जो कि है सुबह जल्दी उठना। दोस्तों, अगर लाइफ में कामयाब होना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना भी पड़ेगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से भाग्य उदय होता है और क्रिकेट जैसे खेल में भाग्य का होना बहुत जरूरी है।
दोस्तों सुबह जल्दी उठने से आपका पूरा दिन अच्छा जाता है और आप पूरा दिन एक्टिव महसूस करते हैं। सुबह जल्दी उठकर फोन में टाइम बर्बाद ना करें, सुबह उठकर एक्सरसाइज करें, योगा करें, अच्छा खाएं और अपने दिन की शुरुआत अच्छे थॉट्स के साथ करें। दोस्तों उम्मीद है आप इन सातों पॉइंट्स पर आज से ही काम करेंगे और अपना क्रिकेटर बनने का सपना पूरा करने के लिए पूरी मेहनत भी करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।